शाय नमः श्री हनुमते नमः नमः श्री श्याम हे भाई नमः आदि शक्ति पार्वती अति नमः कीर्तन प्रारंभ करता हूँ सुनो मेरे भगवान दिल्ली में विराजियो हासी में विराजियो मैं धरू तिहार आइए दिल्ली की पावन धरती से आज्ञा लें इस आसमान से आज्ञा लें जिसने बैठने की मोहलत दी है इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें क्योंकि जो हवा दिल्ली में बह रही है वही हवा खाटू धाम में बह रही है क्या पता जो ताली यहां बजाएं वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए जॉर्जी यहां लगाए वो खाटू चली जाए जो ताली यहां बजाए वो खाटू चली जाए उठाए जरा दोनों हाथ आबो जी आबो आबो जी आबो आबो शक्तियों को याद करने जा रहा हूं मैं चाहता हूं आप भी याद करें या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता मां कालिका देवी रूपेण मां नैना देवी रूपेण मां ज्वाला देवी रूपेण पूर्णी रूपेण संस्था बगला मुखी रूपेण संस्था माँ कांगड़े वाली रूपेण संस्था माँ चामुंडा जी रूपेण संस्था माँ वैष्णो देवी रूपेण संस्था वो जीण माता रूपेण संस्था वो करणी माता रूपेण संस्था वो झुंझुनू वाली रूपेण संस्था माँ बाला सुंदरी रूपेण शाकंभरी माता रूपेण संस्था बनभौरी देवी रूपेण संस्था पहाड़ी माता रूपेण संस्था गुड़गावा वाली रूपेण संस्था वो बेरी वाली रूपेण संस्था वो देवसर वाली रूपेण संस्था वो गड़ी महासर रूपेण संस्था कामाख्या मैया रूपेण संस्था कलकत्ते वाली रूपेण माँ धूमा मती रूपेण पीतांबरा माता रूपेण दिल्ली में तीन शक्तियां हैं कि नहीं है पहली शक्ति माँ कालका रानी रूपेण दूसरी शक्ति माँ झंडे वाली रूपेण और तीसरी शक्ति छतरपुर वाली कात्यायनी मैया नमस्तस्य 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 नमो नमः कौन कौन मानता है तीनों शक्तियों को जो मानता हो दोनों हाथ उठाकर हे माँ मुझे तेरी जरूरत
जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है ये मां, मुझे तेरी जरूरत है। भोले बाबा के भगत आए हैं क्या? ज्ञान मापी का फैसला आने वाला है। मैं कहता हूं अगर वहां मस्जिद है तो मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन अगर अंदर त्रिशूल के निशान निकले हैं तो मस्जिद नहीं प्यारे, वहां भोलेनाथ ही बैठेंगे, कोई और नहीं बैठेगा। जो मानते हो भोलेनाथ को, डरना मत, कुछ लोग डराएंगे आपको, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसको कहना जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का बोलो हाथ उठाकर गाना, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार, ओ लज्जा मोरी राखियो, सिर्फ भोले के भगत हाथ उठाकर बताना, मेरे नंदी के अस्वार, एक बार गाइएगा ओम नमः शिवाय। ओ भैया कैमरे वाले वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, मैदान थोड़ी ना है कोई खेल का, जहां मर्जी जिया चल पड़े कोई बात नहीं, मेरा है चाहे किसी का है, उसूल सबके लिए बराबर है, वापस चलो। एक बार गाना ओम नमः शिवाय, आवाज जाए उत्तर प्रदेश तक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पता है बरबरीक बाबा श्याम अपने हाथ पे शिवलिंग बांध के रखते थे, बरबरीक हाथ पर शिवलिंग बांध कर रखते थे, क्योंकि भोले बाबा के परम भक्त थे। जब वो उनके भक्त, हम उन्हीं का नाम ले लें तो क्या श्याम बाबा राजी नहीं हो जाएंगे? तो दोनों हाथ की डमरू बजा के ये बात, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज। एक जोरदार हुंकार भर के कहना, बोलिए बालाजी महाराज की जय, 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 मेरे बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, गड़ी महासर। कुलदेवी है आपकी, कुलदेवी है, कौन कौन नहीं जानता कुलदेवी को अपनी? भैया कौन हो भाई, काहे विसल कर रहे हो? कुलदेवी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कुल देवता जन्म देते हैं, इष्ट देवता काम देते हैं करने के लिए, और कुल देवी औलाद देती है। जो कुल देवी को नहीं मानते कभी कभी उनके औलाद की तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता आपकी कुल देवी कौन है, तो आप चाहे झोपड़ी में रहते हैं चाहे महलों में रहते हो, सुबह सुबह मां को कहना, मां मुझे नहीं पता तेरा कौन सा रूप मेरे घर में पूजा जाता था, लेकिन मेरे लिए तो तू ही मेरी कुल देवी है, मेरा काम करके दे, मेरा काम बना कर दे, बना कर दे। और चौथी शक्ति मेरे पितर जी महाराज,
ही मानने लगे हो दो चार सालों से, याद आ गए? नहीं तो पहले तो कोई नाम नहीं लेता था पितरों का, लिया करो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने शुरुआत कर दी, नो, मैं कौन होता हूं, मुझसे तो करवाई गई है। कहीं आपके पितर बैठे होंगे, कहा होगा रे पगले इनको याद करा दे, इनके बाप दादा यार इनको याद करा दे, मैं कौन होता हूं। स्वर्ग में इस समय आपके बाप दादा भी बैठे होंगे, मां बैठी होगी, मेरे भी पूर्वज बैठे हैं। एक कीर्तन जीएमडी में हो रहा है तो एक कीर्तन स्वर्ग में हो रहा होगा। वो देख रहे होंगे कि जिस पोते का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाता था, क्या वो भी कीर्तन में आया है क्या? देख रहे होंगे और आपस में बात करके खुश हो रहेंगे, वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया, दिल्ली में मेरा पोता भी भगवाधारी है और तेरा पोता भी भगवाधारी है भाई। दोनों हाथ उठे पितरों के लिए। जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, पत्थर कोई बैठा होगा, जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, कोरस बंद हो गया है। और यहां पर साउंड कम कर दो, बहुत ज्यादा है, इधर इधर इस मॉनिटर के अंदर मेरा माइक हो ये ठीक है, इनका कम करो। ए जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, उत्थे कोई बैठा होवेगा, जिसे भी आप मिस करते हो, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी ताई, कोई भी रिश्तेदार, एक बार उसको याद करके दोनों हाथ उठाकर कहना, ले तेरे नाम की ताली बजा दी, दोनों हाथ उठा के, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। और अब जो मैं गाने जा रहा हूं, पता लग जाएगा भगत कितने आए और आशिक कितने आए हैं। जो मैं होता सांवरे, जो मैं होता सांवरे, मो तेरे खाटूगा, मो तेरे खाटूगा, तुझे नाच के दिखाता, तुझे नाच के दिखाता, तुझे नाच के दिखाता, तुझे नाच के दिखाता, तेरे मुकुट पे मैं लग जाता, तेरे मुकुट पे मैं लग जाता, तुझे झूम झूम भजन सुनाता, सुनाता, जो मैं होता सांवरे, मो तेरे खाटूगा। बाबा के दर का मोर बनना बहुत बड़ी बात है। हे श्याम बाबा, ये पहली अर्जी है आपके दिल्ली में, जो उठाएं दोनों हाथ आप चले जाना उनके साथ, जो बजाएं ताली 12 महीने बनाएं दिवाली, और जो मचाएं शोर वो नाचे बनके मोर। सारे लोग तो बैठे, डर क्यों रहा? नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? पापा खो गए। पापा का नाम क्या है? राजू। है राजू, कहां से आए हो? कह रहे तो दिल्ली में है। है राजू, तुम्हारा क्या नाम है? है? अरे बोल दे। मम्मी आई है, उसका क्या नाम है? सोनिया। राजू और सोनिया भंडारे में चले गए मुझे लगता है बेटा, थोड़ी देर बैठ जा, पानी तुझे दे गए। नहीं नहीं है,
राजू जी, सोनिया, कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो? राजू जी, सोनिया जी, ए राजू भाई, काहे बच्चा घुमा दिए रे? सोनिया जी, जोर से रो बेटा, अरे जोर से रो तभी आएंगे, जा फिर पीछे, नहीं जोर से रो। ए राजू भाई और सोनिया जी, आपका बच्चा यहां है, रो रहा है। राजू जी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बहन जी, बच्चा घूम गया देखो तुम्हारे चक्कर में, बैठ जाओ, तुम्हारे तुम ही कारण हो इसके घूमने के, वो बेचारे छोटे हाइट के थे पीछे रह गए, बच्चा निकल गया बीच में से, बैठ जाओ। हे राजू भाई, सोनिया जी, बेटा नहीं आते, बैठ जाओ, इसको थाने लेके जाओ, किसी को दे मत देना, राजू कहीं आ जाएंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखो, मोबाइल की कोई बात नहीं, घूम गया फिर आ जाएगा, बच्चों का ध्यान रखो। हो खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, कंधा तेरा बाबा माला बाल हो गया, तेरा बाबा माला बाल हो गया, जब चढ़ेगी, जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की, खाटू वाले श्याम जी हो बंदा तेरा बाबा, जब चढ़ेगी, ओ जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की, परवा नहीं संसार की, जब चढ़ेगी कुमारी तेरे जाने के लिए, जरा शोर मचा के बताओ कौन कौन तैयार है? खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, दिन में 100-100 बार जैसी शाम कहता है, बाबा का प्रेमी हेलो हाय नहीं बोलता, क्या बोलता है? आवाज नहीं आई, क्या बोलता है? और दिन में 100-100 बार जैसी शाम कहता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, वो खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है, किलोमीटर की गिनती वो कर देगी, किलोमीटर की गिनती वो कर देगी। मनमोहन जी कहाँ गए? अबे भाई क्या ले आया, वाह, अपना घर सच में यही है, बाकी तो घरवाले ही मजा ले रहे हैं। रखो, सुनो भाई, तुमने 5 बसें भेजनी है ना, यहां शाहदरा इलाका पड़ता है, बाबरपुर, शाहदरा, करावल नगर, इन लोगों को जोड़ के 5 बसें ले जाना, हर बार जगह बदलेंगे, रोहिणी बिल्कुल एंड में लेंगे क्योंकि यहां तो रोज ही खाटू बनता है, जितना भी झुकी झोपड़ी का इलाका है वहां से बसे जाएंगे, भेजोगे और जिम्मेवारी आपकी बनती है, ऐसे लोगों को ढूंढना जिनकी तनख्वाह 5-7 हजार है, वो खाटू कैसे जाएगा, हमने सबको खाटू भेजना है, भेजोगे बाबा के भक्तों को खाटू, कौन कौन भेजेगा? वो किलोमीटर की गिनती वो जितने दिखता ही, जितने दिखता ही, बस अनिशान हो
खाटू वाले श्याम जी ओ बंदा तेरा बाबा हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता मगर आपको मेरी कसम है। आज जेएमडी में जो उठाए दोनों हाथ, आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो लगाए जयकारा उन्हें दिखाना खाटू का नजारा। चलो लखता पार की गुजारिश कर रहा हूं, बैठ जाओ। मत्थे तोरण द्वार की दिन रात करता है, तोरण द्वार किस किस को दर्शन करने हैं? ताली बजे सर। मत्थे तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, क्या तरीका है यार। लेकर जाओ, बैठ जाओ भाई, शुरुआत खुद से करो। ये बच्चों को हटाइए प्लीज, रिक्वेस्ट। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां गाऊं तो आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे जिसने बुलाया है मुझे उसके लिए भजन करना है। मैं मेरा भजन तो घर पे ही कर लूं, मैं तो यहां उसका करने आता हूं जो मुझे बुलाता है। बच्चा कहां है? राजू, राजू का बच्चा है, ये भी घूम गया, तो वही यार घूम फिर के आ जाता है। अब नहीं आ रहे इसके माँ बाप, हम गोद ले लें, क्या बात कर रहे हैं, बिठा के रखो थोड़ी देर। कहाँ है राजू? आपका बच्चा है? मौसी हो? कहाँ है इसकी मम्मी? नहीं पता, मौसी को नहीं मिलेगा, मम्मी को लाओ इसकी। अरे बैठा रहने दो यार, ये भी किसी दिन तुम्हारे जैसा हो जाएगा, बाबा का कीर्तन करा लेगा, बैठा रहने दो। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है। किस किस के साथ चलता है बाबा? ताली बजा के गाना एक बार। ओ मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, वो तितर लगा कर बाबा वो इजहार करता है, श्याम बाबा के जैसा कोई ताली नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, हम मेरी बात को बुरा मत मानना। आज हर कोई कह रहा आपने शीशा तोड़ दिया खाटू का, हर कोई आपको ही समझा के चला जाता है कि आपने इत्र मार दिया, आपने नारियल मार दिया, कैमरे तो लगे होंगे ना वहां, और खाटू में थाना भी है, क्या पुलिस वाले कैमरे में वे वीडियो देख नहीं सकते किसने मार दिया? देख सकते हैं, मगर आपको कोसने से काम चलता है तो चला रहे हैं। काम करके कोई राजी नहीं है, कोसना उनको है
जो बाबा के दर्शन करने जाते हैं। इस भरे पंडाल में बाबा जब न्याय करने को बैठा है क्या कोई ऐसा जिसने इत्र फेंक के मारा हो साहब? किसी के भी सामने कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन इस तीन बाण धारी के आगे झूठ बोलने की औकात किसी की नहीं है साहब। यहां जितने भक्त आए हैं वो बाबा के इत्र लगाएं चाहे ना लगाएं, बाबा ने इनकी जिंदगी महका रखी है तो आए हैं साहब। दोनों हाथ उठाकर गाना और ताली बजाकर गाना, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूं, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूं, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूं, कोई बिना लच के कोई काम ना करे, करता क्या कोई बिना लालच के? कोई नहीं करता साहब, बाबा करता है बिना। क्या बात है, एक खाटू वाला है जो बिना लालच के काम करता है, उसको भी एक लालच है कि मेरा बच्चा कहीं रोने ना लग जाए, उसको भी ये लालच है। कौन कौन खाटू वाले का बच्चा है? मांग लो, मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए, और शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा जी, शर्माना मत, एक बंगला दे दीजिए, पांच मंजिला दे दीजिए, एक गाड़ी दे दीजिए, सेवन सीटर दे दीजिए, एक शोरूम दे दीजिए, वो दाएं बाएं दे दीजिए, वो आगे पीछे दे दीजिए, वो शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा जी, शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा जी, सर पे हाथ रख दीजिए, मेरा काम कर दीजिए। अच्छा एक बार आपके आपसे सुनना चाहता हूँ, श्याम बाबा, ओ मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए, किसी की झोली भर दीजिए, किसी को भाई दे दीजिए, किसी को बेटी दे दीजिए, किसी की झोली भर दीजिए। आपको लोग कहेंगे शर्म नहीं आती बाबा से गाड़ी बंगला मांगते हो, उसको कहना ठीक है नहीं मांगते, तू दे दे, देगा क्या वो? गोली देगा बस, गोली, कल आना परसों आना। एक ये है जो आने से पहले ही काम कर देता है साहब, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, सभी को क्या बात है दिल्ली, मतलब की इस दुनिया से
जियो जियो एक बार और। बाबा देख रहे हो, ये वो प्रेमी नहीं है जिनको दिखा कि तू आ रहा है और वापस घर में जाके सो गए। ये बोले बाबा आ रहे हैं, पकड़ लूंगा जाके छोड़ूंगा नहीं बाबा के पाँव। कौन कौन है बाबा के सच्चे प्रेमी? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के एक ताली। झूल रहा है, अगली बार तुझे कहने लगाने के लिए, और तुझे पता हो मैं आ रहा हूं तो लगाइयो मत। नैया मेरी बाबा अब टोलने लगी है, इसको सहारा दे दो। तुझे उसने कुछ कह दिया, उसने तुझे कुछ कह दिया, तू मैं करेंगे क्या मिल जाएंगे, तू मैं तुम्हें करेंगे क्या मिल जाएगा, चल उसके लिए तू मैं करें अपना जीवन संवर जाएगा यार। लगे पड़े हैं तू बेकार की मैं बेकार, कभी किसी ने कुछ लिख दिया, कभी किसी ने कुछ लिख दिया। अरे लिखना है अगर श्याम प्रेमी हो तो बाबा के लिए लिखो यार, फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। मैं 2 मिनट भी व्यर्थ नहीं करता, ये बाबा साक्षी है। एक एक मिनट ये सोचता हूं कि कैसे बाबा का प्रचार हो, कैसे बाबा भक्तों तक पहुंचे, कैसे मेरे राम का नाम घर घर के अंदर, कैसे ये हिंदू जाग जाए साहब, कैसे ये हिंदू जाग जाए। नैया मेरी बाबा अब ढोलने लगी, इसको सहारा दे दो। एक फूल गुलाब का लाया हूँ, एक फूल गुलाब का चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक फूल तेरे अर्पण के लिए, फूल गुलाब।
जो स्टेज पे खड़े हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप जेएमडी में क्यों नहीं आते। मैं इसी कारण से स्टैंड में नहीं आता, क्योंकि आप पूरे नहीं आ पाते साहब। मैं जब भी आता हूं कभी पूरे नहीं आ पाते, इसीलिए मैं कतराता हूं यहां आने से। चार कार्यक्रम कम कर लूंगा क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन किसी को तकलीफ तो नहीं होगी साहब। जो मंच पे खड़े हैं और जो आगे खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए, नहीं तो मैं एक भजन और गाऊंगा मैं चला जाऊंगा। सच बता रहा हूं, मैं कमिटमेंट करके आया हूं, मैं बस एक भजन और गाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन मैं मेरे भाव खराब करके नहीं जा सकता। मैं बंद करके चला जाऊंगा और मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, क्योंकि मैं नहीं गा सकता इस तरीके से। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, पिछली बार भी ये टूट गया था, मैं गिरने से बच गया था, ये 3 जुलाई वालों ने कराया था। प्लीज परीक्षा मत लीजिए मेरी, मैं हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए। मैं आपके प्रेम को मानता हूं, लेकिन हम फिर मिल लेंगे किसी खुली जगह पे, कहीं व्यवस्था होगी। मैं यार प्यार करता हूं तुमसे, आपके जज्बातों को मानता हूं, लेकिन मैं आया और इतनी सी खरोच भी आपके आ गई तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? सोच सकते हो मेरी बात? प्लीज बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाओ। और ये जो फवारा छोड़ रहे हो, बैठ जाओ भाई, बंद कर दो इसको। अरे इसको बंद कर दे, इसको बंद करो भाई, बैठ जाओ भैया। ये कैमरा आगे लेके जाओ, आप भी निकलो यहां से, आइए इधर से। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने तो मोदी जी के भी आगे मुझे लगता है कि नहीं लगते। बैठ जा भाई, उसने कीर्तन कराया, वो लाइव ही नहीं कराना चाहता, तो बैठ जा, आजा, दे मुझे पकड़ा दे, आजा, आजा, ये लो, आजा। दिल दा मामला है, भैया इस महीने यात्रा कब होगी पैदल यात्रा, अभी तक पोस्टर नहीं आया। तो मैं विचार कर रहा था और बाबा ने विचार दिया कि बहुत सारी बहनें हैं जो रक्षाबंधन के दिन खाटू श्याम जी को राखी बांधती हैं। 31 तारीख को 30 की रक्षाबंधन है, 31 को निशान उठाऊंगा, उस पर एक राखी बांधूंगा, पूरे भारत की बहनों की तरफ से बाबा को चढ़ा दूंगा। 31 तारीख को रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना ली तूने, निर्बल को बल मिला।
निर्धन को धन्य मिला, किस्मत जगा दी तूने सावरिया, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है। पक्के पागल है की, हर हर महादेव।